आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, विधानसभा हल्का कालका जिंदाबाद, विधानसभा हल्का कालका जिंदाबाद। पिंजौर स्थित नालागढ़ मार्ग मड़ावाला में आम आदमी पार्टी के कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। पंजाब की कामयाबी के बाद आप हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी विस्तार करने लगी है। इसी प्रकरण के चलते पार्टी ने मड़ावाला में कालका विधानसभा के उपाध्यक्ष रंजीत उप्पल की अध्यक्षता में राम गोपाल पालू द्वारा कार्यालय उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी नॉर्थ जोन हरियाणा सचिव योगेश्वर शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपने विचार रखे। स्थानीय नेताओं ने आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में जनता को अवगत करवाया। योगेश्वर शर्मा ने आम आदमी के कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का आह्वान किया ताकि भ्रष्ट राजनीतिक दलों का मुकाबला किया जा सके। इस मौके पर बोलते हुए जिला अध्यक्ष सुरेंद्र राठी ने कहा कि आम आदमी पार्टी देश और राष्ट्र के हित के लिए कार्यरत है। हमारा मुद्दा आम आदमी का है और आम आदमी का ही रहेगा। उन्होंने कहा कि हमेशा ही पार्टी जनता के हित की लड़ाई लड़ती आई है और आगे भी इसे जारी रखेगी। इस मौके पर बोलते हुए उपाध्यक्ष रंजीत उप्पल ने कहा कि दिल्ली के रोल मॉडल को देखते हुए पंजाब में आम आदमी पार्टी को जनता ने पूरा मान सम्मान दिया और संपूर्ण सरकार बनी। आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी अपनी कारगुजारी में पीछे नहीं हटेगी। उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए बड़े जोश में रंजीत उप्पल ने कहा कि यदि आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को या कोई भी आमजन किसी भी समस्या से प्रताड़ना का शिकार होता है तो मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा और क्षेत्र के हर व्यक्ति की हर समस्या का हल करने का भरसक प्रयास करूंगा। इस कार्यक्रम के दौरान रंजीत उप्पल एवं राम गोपाल की नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। इस मौके पर अमर विराट, रंजीत सिंह बंजारा, सुरेंद्र राठी, ईश्वर सिंह, स्वर्णपाल, बलवान ठाकुर, सुभाष, राकेश शर्मा, हसनैन शेख, कपिल दत्ता, अमित शर्मा, टिंकू, हितेश सोनकर एवं सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। शुरुआत दिल्ली से हुई थी। जब दिल्ली से शुरुआत हुई थी तो ये लोग जो दूसरी छोटी स्टेटों के लोग थे तब बातें करते थे कि ये कौन सी पार्टी आ गई, ये क्या कर लेगी। पर आज जो हालात हैं, जो इंडिया का फ्यूचर है, नौजवान है, और वो किसको देख रहे हैं? ओनली फॉर केजरीवाल को। उनको पता लग रहा है कि हमारा फ्यूचर अगर है कहीं तो वो केजरीवाल है। केजरीवाल ने पिछले 7 साल से दिल्ली में इतने अच्छे काम किए कि दोबारा फिर दिल्ली में उनका 67 सीटों के साथ सरकार बनाई। सिर्फ 3 MLA बीजेपी के जीते थे वहां, और उसके बाद वो पंजाब में फूस दिया उन्होंने। और पहली बार 2017 में जब पंजाब में इलेक्शन लड़ी गई
मैं उस टाइम भी पार्टी के साथ पंजाब में काम किया और कुछ थोड़ा सी कमियां रह गई थी जो हम सीएम का चेहरा वहां डिक्लेयर नहीं कर पाए। अगर उस टाइम हम सीएम का चेहरा डिक्लेयर करते तो 100 सीटें उस टाइम भी हमारी आती, लेकिन फिर भी 5 साल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने इतना जोश भरा के जब अब 2022 की इलेक्शन आई और पूरे पंजाब में एक तरफा सारिया सीटों पे जो कोई सोच भी नहीं सकता था, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि प्रकाश सिंह बादल खुद इलेक्शन हार जाएंगे। 93 साल के प्रकाश सिंह बादल ने सभी इलेक्शन जीती, एक इलेक्शन शुरू में उसने हारी थी, उसके बाद उन्होंने सारी इलेक्शन जीती और जिस आदमी ने उसको इलेक्शन हराया वो एक आम कार्यकर्ता था और जिस आदमी ने चरणजीत चन्नी को हराया वो एक आम कार्यकर्ता था, जिस आदमी ने नवजोत सिंह सिद्धू को हराया वो एक आम कार्यकर्ता था, जिस आदमी ने बाकी मेन बड़े बड़े लीडरों को सुखबीर बादल को हराया, विक्रमजीत मजीठिया को हराया और बीजेपी के तरंदर से तरंदर आगू जिसके बाबा ये कई बाबों का आशीर्वाद भी था और उनको भी हरा दिया। मैं यही चाहता हूं कि हरियाणा में हमारा संगठन इतना मजबूत हो कि पूरी के पूरे सीटें पूरे का पूरा हरियाणा हमारी सरकार बने। अभी 2 साल बाकी है पर हम पार्टी को और अपने कार्यकर्ता को इतना का मजबूत करेंगे और लोगों को घर घर जाके डोर टू डोर जाके बूथ वाइज जाके लोगों को जो आम आदमी पार्टी की नीतियां ने पॉलिसियां ने उनको बताएंगे कि हमारी मंशा क्या है। जिन्होंने 70 साल पहले राज किया उन्होंने क्या किया, लेकिन जो हमारी पार्टियों का राज हुआ है दिल्ली में और उन्होंने 7 साल में क्या करके दिखाया। साथियों, पंजाब में अभी सरकार बने को 15-20 दिन हुए हैं, 30,000 जॉब नौजवानों को लिए पहली कैबिनेट मीटिंग में भगवंत मान ने अप्रूवल करके दी, जिन्होंने 10,000 पंजाब पुलिस की और 30,000 पोस्टें जो दूसरी थी वो लोगों को उसी टाइम पहली कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने वो दिया, 35,000 जो कच्चा मुलाजिम था जिनकी एज सारी कंप्लीट हो चुकी थी 70 साल, कोई 40 साल से जॉब कर रहा है कोई 30 साल से जॉब कर रहा है लेकिन वो कच्चे थे और सरकार ने आने वाले भगवंत मान ने आते ही उनको वो पक्का कर दिया। आज की डेट में पूरे देश के अंदर केवल और केवल आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे ये बताने की जरूरत नहीं कि हम जनता के लिए आम आदमी के लिए सत्ता में आके क्या कर रहे हैं। क्या जरूरत है इस चीज को बताने की? जरूरत है। एक आम आदमी को ये राजनीतिक दल क्या दे सकते हैं, राजनेता क्या दे सकते हैं, ये पहली बार परिभाषा पिछले 70 साल में हमने पूरी की है। जो एक आम आदमी की जरूरत की चीज थी, जो उसे चाहिए, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाएं भी जो आज तक ये सरकारें नहीं दे पाई वो हमने आपको दी। क्या जब एक दिल्ली सरकार जिसकी 40-50% पावर भी नहीं है, जब वो ये सारे काम कर सकती है, सारे अधिकार सेंटर के पास है, तो पूरे देश की ये सरकारें आज तक क्या कर रही थी? क्या ये नहीं दे सकती थी? दे सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनेता जिनको हमने गलती से चुन लिया ये आके अपना दायित्व अपना कर्तव्य भूल गए कि हमें जनता का फायदा करने के लिए चुना गया ना कि अपना फायदा करने के लिए चुना गया। तो मैं ज्यादा कुछ यहाँ नहीं बोलूंगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया था, ये वोट की ताकत है, इसकी ताकत को समझो। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी पंजाब में भी हमारी पार्टी ने बंपर बहुमत हासिल किया है। साथियों, मैं बताऊंगा, अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली की सत्ता संभाली, दिल्ली का रेवेन्यू जो था, टैक्स रेवेन्यू 30,000 करोड़ था और जब पिछली बार इलेक्शन हुए तो रेवेन्यू 64,000 करोड़ था, डबल से ज्यादा। हिंदुस्तान की एकमात्र सरकार है दिल्ली, सीएजी की रिपोर्ट है जो ये कहती है कि दिल्ली की गवर्नमेंट ही प्रॉफिट में है, बाकी सारी गवर्नमेंटों में कर्जा कटा हुआ है।
मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हरियाणा में एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके ऊपर 95,000 का कर्जा है। हम सभी कर्जदार हुए बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा सिस्टम बनाया कि उस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया। देखा ना कितने साल भाजपा का राज भी देख लिया, 7.5 साल देख लिया, क्या कालका का विकास हुआ? अपने आप से पूछिए, अपने जवाब आप ही दोगे मुझे, क्योंकि कालका के निवासी है ना यहाँ पे सभी। तो क्या विकास हुआ? क्या कोई परिवर्तन आया? सरकारों के आने के बाद कोई परिवर्तन नहीं आया। इससे आप सबको एक सबक लेना है। कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया, इसलिए कांग्रेस का हासिल जो आज हुआ वो आप देख रहे हो। और भाजपा उससे भी गलत काम कर रही है, देश को बांटने का काम कर रही है, जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रही है, देश को खोखला करने का काम कर रही है, भाइयों को भाइयों से लड़ाने का काम कर रही है। तो वो उससे भी गंदा खेल खेल रहे हैं सिर्फ सत्ता में रहने के लिए। इससे आप सबको सावधान होना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब हमें अपने गले के अंदर अपनी आईडी डाल के घूमनी पड़ेगी कि मैं हिंदू हूं और मैं मुसलमान हूं। इस देश को जला के रख देंगे ये। अपने ही देश में इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ सत्ता में रहने के लिए। आज अपने ही देश में ये कहते हैं हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुस्तान में हिंदुत्व खतरे में है। इससे गंदी परिभाषा और कोई नहीं हो सकती। तो सावधान रहिए ऐसी पार्टियों से। एकमात्र व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति, देश बदलने की राजनीति, भ्रष्टाचार मुक्त करने की राजनीति अगर कोई पार्टी कर रही है तो वो है आम आदमी पार्टी।